गाइस हम जाने वाले हैं आज वर्ल्ड कप मैच देखने। तो गाइस एंट्री फ्री होने वाली है, हम फाइनली आ चुके हैं अपनी GIC ग्राउंड में। तो ये गाइस कुछ एंट्री है यहाँ से, तो ये भाई लगा देंगे हाथ पे अपने। तो गाइस ये एंट्री देख लो आप, ले लिया फर्स्ट विकेट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज है संडे और 29 अक्टूबर है आज। तो आज गाइस हम लोग जाने वाले हैं वो क्या बोलते हैं, मेरे मुंह से IPL क्यों निकल जाता, क्योंकि लास्ट टाइम IPL गए थे। तो गाइस हम जाने वाले हैं आज वर्ल्ड कप मैच देखने। तो इंडिया और इंग्लैंड का है आई थिंक, मेरे को यार इतना इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में, बट जा रहे हैं मज़े करेंगे खूब जाके, क्योंकि लास्ट टाइम IPL में गया था काफ़ी ज़्यादा मज़े किए थे, सच में बहुत मज़ा आया था। तो आपको लोकेशन बता देता हूँ, तो आपने GIC ग्राउंड देखा है गाइस, तो आगरा के अंदर GIC ग्राउंड है, आप गूगल मैप पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर GIC ग्राउंड डाल देना, आपको आ जाएगा, पचपू यहाँ पर पड़ता है, तो वहाँ पर है गाइस। और अभी आज स्टार्ट हुआ 1 बजे से, तो मैं कल गया था, मैंने आपको ना 100 वीडियो डाली, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप गाइस यार आप मेरे को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार मैं आगरा में जो भी इवेंट वगैरह आ रहे हैं ना, उन सबकी मैं वीडियो बना के डालता हूँ। और आप सबको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं आगरा का ही रहने वाला हूँ, तो मैं सबसे पहले ना आगरा की नोटिफिकेशन मैं सबसे वीडियो पहले मैं डालूँगा। तो कल भी मैंने ना कल शॉर्ट डाला था, तो आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने देख लिया, मेरे को कमेंट भी किया था और पूछा भी था कि एंट्री फ्री है या। तो गाइस एंट्री फ्री होने वाली है, तो गाइस मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस अभी बज रहा है 4 और हम जाने वाले हैं 5 या 5:30 बजे जाएंगे, थोड़ी सी ना गाइस रात हो जाएगा तब ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी स्क्रीन लग रही है। आप अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो गाइस आपको फिर थोड़ी देर में हम पहुँच के मिलते हैं, ओके गाइस। तो गाइस हम फाइनली आ चुके हैं अपनी GIC ग्राउंड में। तो ये गाइस कुछ एंट्री है यहाँ से, कल यहाँ पर मेला लगा था पंजाबियों का, तो वो था, और ये गाइस यहाँ से एंट्री है, तो वहाँ चल रहा है गाइस। अभी ब्रेक है इंडिया के, अभी 230 रन हो चुके हैं, और अभी ना 15 मिनट वेट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम तो अपनी एंट्री कराते हैं यहाँ से एग्जिट, ठीक है गाइस। तो चलो कहाँ से होगी, आ जाओ इधर से। तो गाइस यहाँ से होगी अपनी एंट्री, तो गाइस ये अपना नाम, ठीक है। तो ये भाई लगा देंगे हाथ पे अपने, आप भी लिख लो भाई, ठीक है। तो ये गाइस अपना स्टंप मिल चुका है अंदर जाने के लिए, चले अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या है अंदर। तो गाइस ये एंट्री देख लो आप, मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ ना। तो गाइस अंदर चलते हैं अभी, और यहाँ पर है बहुत ज़्यादा अभी म्यूज़िक बज रहा है, कॉपीराइट आ सकता है। तो गाइस यहाँ से चलते हैं पहले हम लेफ्ट से, यहाँ पर भी कुछ स्टॉल्स वगैरह लगी हुई हैं, अब ये पता नहीं किस चीज़ की है, फेस पेंटिंग की है, अच्छा फेस पेंटिंग की स्टॉल्स वगैरह लगी हुई है, इधर देखो यहाँ फेस वगैरह पर डिज़ाइन बना रहे होंगे। तो गाइस यहाँ पर फेस पेंटिंग के लिए बना हुआ, वहाँ पानी की स्टॉल लगी हुई है, और ये VIPO के लिए है बॉक्स वाला, और वहाँ लगी हुई सामने स्क्रीन, देख रहे हो गाइस आप, थोड़ी लाइट ज़्यादा सी आ रही है उधर, और वहाँ भी छोटी स्क्रीन लग रही है, यहाँ सब बैठ। अभी दिखाते हैं VIP बॉक्स है, इसमें आई थिंक AC की ज़रूरत तो है नहीं अभी यार, ठंडा मौसम ही है। तो अभी मैच चालू होने वाला है, टाइम हो रहा है अभी 6:24। ये VIP बॉक्स है गाइस, देखिए यहाँ पर कुछ खाने पीने की स्टॉल्स वगैरह लगी हुई हैं, और ये देखिए गाइस बहुत बड़ा स्क्रीन है, और इस बार ना काफ़ी बड़ा बनाया है। तो यहाँ पर टी शर्ट वगैरह और कैप वगैरह मिलती है यहाँ पर, और ये गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है चलो देखते हैं। अगर भाई यहाँ क्या करना है, कम एंड क्लिक एंड सेल्फी विद इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा। ओहो अच्छा, इस पोस्टर के साथ में फ़ोटो लेना है रोहित शर्मा के साथ में। अभी मैच चालू हो गया आई थिंक, हेलो भाई, यहाँ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड प्ले भी है, जंप करने के लिए, और वो भी है। फोटो अच्छी नहीं आएगी यार, लाइट तो पीछे से आ रही है उसके भाई, एक स्क्रीन इधर लगी हुई है, एक उधर लगी हुई है, और एक लेफ्ट साइड अपने राइट साइड में लगी हुई है, 3 स्क्रीन लगी हुई है, ये बेस्ट सबसे बड़ी है, जो अभी तक सोती रही है, लेकिन जागने के लिए सिर्फ एक मैच लगती है, चौनी बेस्ट है ये, बैठने के लिए बनाया है सबके लिए, बल्ला चलाने के जरूरी कर्षा तक आया है, काफी लोग बैठे हुए हैं, एक तरफा कर सकता है उसको टारगेट करें, भारतीय गेंदबाज वही जहन में होगा। इंडिया जीतेगा, ऐसे ही सपोर्ट करना है।
ऐसी दुआ करनी है जिसे हमारी टीम जीते, समझ गए ना। एक बार प्लीज मेरे साथ, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे इंडियन बॉलर्स के लिए जोरदार ताली कौन बजाएगा? क्या बात है, मैं आपका दोस्त और होस्ट एंकर गगन गौतम आपके बीच में ऐसे आता रहूंगा और फिर से गिफ्ट लेके आऊंगा, क्वेश्चंस लेके आऊंगा, बने रहिएगा मेरे साथ और मैच में आनंद लीजिए और अच्छे से बैठ के देखिए। अभी हम बैठ के मैच देख रहे हैं किस तरीके का रहा है। 140 की बैठा हुआ है, रमेश बैठा हुआ है, दीपक बैठा हुआ है, भाई काफी ज्यादा क्राउड है, बहुत ज्यादा क्राउड है। अभी मैच चालू हो गया तो हम एंजॉय करते हैं मैच को। टॉल अपराइट खड़े रहते हैं, ये विकेट उनको सूट करेगी क्योंकि ऐसे बाउंस वाले विकेट के ऊपर आप थोड़े से अपराइट रहना चाहते हैं। अगर अच्छी वो पारी थी देखना कितना क्राउड हो गया है, मतलब पीछे का जो खंडा है, आई डोंट नो भाई, मेरे को नहीं पता है किस क्या चीज है, बट ये है कि ये पता क्या है, पता नहीं गाइस क्या है बट अच्छे लग रहा है जो भी है। तो बहुत ज्यादा क्राउड लग रहा है फोटो कराने के लिए, इनके गर्म लग रहा है, एक ऑल्टर एक फील्ड है, तो यहाँ चल रहा है मैच भाई। ले लिया फर्स्ट विकेट, देख रहे हो इंडिया वालों की, रिप्ले देखो, रिप्ले देखो, क्या लगता है इंडिया में मैच जीते, क्या इंडिया में मैच भरोसा है, क्या इंडिया में मैच भरोसा है? ऐसे धड़कनों को तेज कर दिया, नहीं पकड़े ऐसे हम लोग करेंगे कभी, मैच हमें जीत रहा है। विकेट, ओह माय गॉड, भाई सच में लगातार दो विकेट, ओह भाई गजब, मजा आ गया भाई, क्राउड देखो यार, खुशी देख रहा, खुशी इंडिया वालों, ओह भाई गजब गाइस, सच में यार लगातार दो विकेट एक साथ, अमेजिंग। गाइस क्लियर, क्लियर आउट है, देखो सस्पेंस बना रहे हैं वो, बनने दो उनका सस्पेंस, सस्पेंस बना रहे हैं, बनने दो उनका सस्पेंस, तभी तो मजा आएगा। और मुझे तो लगता है कि मैं घर जल्दी चला जाऊंगा, 10-15 मिनट पूरी आउट हो जाएगी, मेरा घर जाना बन जाएगा। आप लोगों में घर जल्दी जाना है तो दुआ करो जल्दी 10 विकेट आउट हो जाए। लगातार दो विकेट और जो खड़े थे बिल्कुल स्टंप्स को कवर करके जो रूट मिस कर दिया बिल्कुल सामने, जब आप कवर करके खड़े रहते हैं। देखिए मेरी तीसरा विकेट हो चुका है भाई, बोल्ड है भाई, सीधे रमेश को देखो, रमेश को गाइस तीसरा विकेट, क्या बात है, वर्ल्ड आउट, अरे शामी शामी गाइस, विराट कोहली गजब, मजा आ गया।
तीन विकेट गाइस, मजा आ गया सच में। तीन विकेट आपको शमी पे मैच बरसा है क्या? शमी सबसे ज्यादा तो ताली इसके लिए कौन बजाएगा? हम बजाएंगे। अच्छा बोल्ड किया मैंने के साथ। मुझे तो लगता है गाइस सच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। कौन जो नहीं आया ना बहुत कर रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप फैन पार्क। मैं मैच देखता भी नहीं था भाई। जोड़ा ताली एवरीवन। इतना प्यारी जगह पे दिए जहाँ पे मैं स्टेडियम जैसा माहौल मिल रहा है, स्टेडियम जैसा मैं फील हो रहा है और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। एक और विकेट, चार विकेट। शमी की बुमराह की तरह हैट्रिक बॉल है। क्या बात है, मतलब 39 39 चार विकेट। मजा आ गया सच में। बहुत ज्यादा इंतजाम किया गया है और बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है और बहुत मजा आ रहा है। क्या आप सभी को शमी पे मैच भरोसा है? गाइस 19 ओवर हो चुके हैं अभी, अभी एक ओवर और बाकी है। 20 हो जाएंगे फिर 20 में हम घर चले जाएंगे। अभी फिर से चालू हो गया, फिर रात को आएंगे गाइस हम खाना पीना खा पी गए। भाई अभी जा रहे हैं हम लोग घर पे, 8 बजने वाले हैं और काफी मजा आया। पेड़ है तो क्रिकेट खेलते हैं यार। क्राउड देखो यार एक बार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्राउड देख रहे हैं कितना क्राउड है। क्या बात है गाइस, देख रहे हो बहुत अच्छा खेल यार इंडिया सच में। 5 विकेट। हाँ सचिन भाई मैं से दूर से बोला चक्का सुन नहीं रहा गाइस। अभी हम लोग जा रहे हैं घर पर, बहुत देर हो गई अभी। ठीक है हम घर जा रहे हैं तो मिलते हैं। जा रहा हूँ गाइस, वीडियो चले गए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। लाइक गाइस क्राउड बहुत है यार सच में, बहुत पब्लिक है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। और काफी मजा आया सच में, बहुत अच्छा इंडिया खेल रही है अभी। आई होप इंडिया जीतेगी, आई पक्का जीतनी है जिस हिसाब से ना उनके ओवर और मतलब बॉलिंग हो रही है ना उस हिसाब से जीत रहे हैं। ठीक है गाइस, तो मिलता आपको नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। वीडियो चलेगी लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना मुझे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वहाँ से फॉलो कर सकते हो। तो बाय एवरीवन।